अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल पॉइंट ऐसे को। आज हम आपको बताएंगे एक इंच की एल्गो 90 कैसे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इसकी मुकम्मल वीडियो के साथ हैं आज हम आपके साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि कोई अच्छी वीडियो आपसे रह न जाए। आइए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे मटेरियल के बारे में। यूपीवीसी मटेरियल है ये, इससे ये शेड्यूल 40 के फिटिंग्स बनते हैं। तो आइए मज़ीद वीडियो आगे बढ़ाते हैं। मटेरियल हमने आपको बता दिया। ये मशीन है हस मशीन, 160 मशीन है, 160 इसका क्लैंपिंग फोर्स है। इस पर हमारा बोल्ट लगा हुआ है, हम आपको बोल्ट दिखाएंगे। ये देखें, मोल्ड 6 कैविटी का मोल्ड है ये। दोस्तों, ये हॉपर है, इसमें हम मटेरियल डालते हैं। और ये बैरल है, इसके ऊपर मीटर्स लगे हुए हैं, यहाँ से हमारा मटेरियल आएगा और इसमें बेल्ट होकर आगे आपको इसका मुकम्मल प्रोसेस बता दें। ये हीटर्स हैं, हीटर लगे हुए हैं। ये टेम्परेचर हैं, इंजेक्शन सेटिंग, स्क्रू चार्ज सेटिंग। हीट ऑन है, सबसे पहले हम इसका पंप ऑन करेंगे। पंप ऑन करने के बाद इसको हम थोड़ा सा फर्जिंग कर लेंगे। फर्जिंग करने के बाद हम इसको दोबारा चार्ज लेंगे। अब हम सबसे पहले सेमी ऑटो पे लगाएंगे मशीन को और डोर क्लोज कर देंगे। मोल्ड बंद होगा, उसके बाद हमारा यूनिट आगे आएगा। यूनिट बिल्कुल लग गया है मोल्ड के साथ, नोजल स्टिक बुश के साथ मिल गया है। अब हम इसके लिमिट स्विच को लगाएंगे। लिमिट स्विच लगाने के बाद ये इंजेक्शन हो रहा है। इंजेक्शन के बाद ये कूलिंग हो रहा है, इंजेक्शन के बाद चार्ज होगा, उसके बाद कूलिंग होगा। प्रोडक्ट निकल तैयार है, तो देखें आप।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, तो फिर आगे हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो दिखा सकते हैं। जैसे ये जो है बहुत ऑटो पे भी चल सकता है, सेमी ऑटो पे भी चल सकता है, सो हम इसको ऑटो पे चला रहे हैं। सेमी ऑटो पे हमने आपको सैम्पलिंग करने के तौर पर बताया, अब जो है ये ऑटो मोड में और प्रोडक्शन में होगा।